हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन जी. आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी. ओके. हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं. अच्छा. उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है. एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल. हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है. बिल्कुल मैंने डाला था. जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पांव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं. सो यू विल बी एप्ट फॉर इट. कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है. नहीं नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है. जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो. एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है. समझ गया. पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है. अच्छा. लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू. अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं. चलिए ठीक है, कर लेता हूँ. हाँ. ठीक है. नहीं, आप कुछ और कर रहे थे जैसे. तो ना मजा नहीं आया. जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो. परफेक्ट. गो ऑन बेबी, गो ऑन. या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए. परफेक्ट. बहुत अच्छा था. कमाल. वी रियली लाइक्ड इट. इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं. तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए. बस आपका दिमाग ठीक है कि मतलब इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, वी विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट. नहीं, वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे चिल्लाते होंगे ना. उनकी अपनी टोनालिटी होती है, तो वो वैसे चिल्लाते हैं. सर, एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दूं उसको? हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा. अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे मुझे बता दो आप. मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई. कैंसिल कर देते हैं इसको. कैंसिल कर देते हैं. एक मौका देके तो देखिए सर. हाँ तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में. ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए. मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया. ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं. अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज है, तुमको तेलुगु, तुमको साले का तुम्हारे अंदर. तुम आओ. हेलो. हाँ बोलो. बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे हैं. अरे प्रवीण भाई, क्या. हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है. कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ. दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम एक झूला लगता है बड़ा सा. अच्छा. हाँ, लगता है. तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा. क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है, और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं. मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं. तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी, तो तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दे, ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप. मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो. और तो और, झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना, तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना, ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे. अपनी को देखा निकल करके. आपका लौंडा जो है और भी बदमाश है. उसने क्या किया अभी? आप जो शैम्पू समझ के लगाते हैं ना, वो शैम्पू में तो आपके झाग नहीं होता होगा. कम करो यहाँ पे. हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना. अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ. पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा. झूला नहीं लगेगा मेरे घर के सामने. क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके. क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखते हैं हम? क्या झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे. झूला झूला है तुमको? हाँ. इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए. पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी. तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है माइकल? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर. इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. सुनो, तुम लोग सबसे घर के सामने झूला लगवाए. हेलो. हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे. अरे प्रवीण भाई. नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए. ठीक है, थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार. हेलो. हेलो. हाँ जी, कौन? आप आओगे ना? हाँ, आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं जो भी बोल रही हूँ, प्लीज आओ ना. कौन बात कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, आ जाओ. आओगे ना? कहाँ पे आना है? कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना. आओगे ना? बोलो. आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं. हेलो. हेलो, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि आना. बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना?
लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या तुम बोल रही हो? आओ, ये बोल रहा है, बताओ क्या है, क्या चल रहा है? ये सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं बना रही हो, चल दे। हेलो। हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे, आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, वो कम चीनी वाली? हाँ सर, तो वो तैयार हो गई है सर, आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा? ले जाऊंगा, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लिए जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहे हैं भाई? उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं? सासू माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चल जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लगा रखा है ये, बार बार बोल रहे बुलाती है मगर आने का नहीं। मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे? सर ससुराल तो वैसी चीज है सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई तुमने यार ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे आ रहा है, कभी बोल आ रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं, पहले वो लड़की कॉल कर दी है, फिर मेरे को हलवाई कॉल कर रहा है, तुम बार बार मेरी दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो तुम ये है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो अब आना या नहीं आना? बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है, ये अलग ही ज्ञान खेल रहे। ठीक है भाई, बजाते रहो। हेलो हेलो, क्या बोलते हैं? दादा कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है, प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में मगर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। कौन बोल रहे हैं? कौन से याद आया मेरे को? अब वो हमारी आवाज की खनक को नहीं पहचानते, अपना तो दूर आज वो हमें पराया भी नहीं मानते, एक वक्त था जब वो हमारी सांसों की आहट से थे हमें पहचानते, आज वो दिन है कि वो हमें देखकर आगे बाग पीछे कुछ नहीं जानते, पता नहीं क्या लिखा। कौन बोल रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ जिनको आप दिन भर ये प्यार भरे मैसेजेस भेजते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे कौन बोल रहे हैं फिर भी? दादा व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड है, आप मेरे को पहचानते नहीं है, लेकिन आप दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाला मैसेजेस भेजते हैं ना, ऐसी शायरी भेजते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। भेजते कि नहीं? हाँ या ना बोलिएगा। हाँ भेजता हूँ। रख रख, फूल की कीमत इसे नहीं आती, उसकी कीमत इसे नहीं जाती, रख रख। लाल लाल फूलों के पीछे इतनी घनी हरियाली है और आसपास पानी की बूंदे भी चमचमाती हुई रोशनी बिखेर रही हैं और साथ ही झिलमिल करते टिमटिमाते हुए इटैलिक्स फॉन्ट में टाइम्स रोमन के 14 साइज में लिखा हुआ गुड मॉर्निंग और उसके नीचे गुलाब की डांटी पी लगा गुलाब, ऐसी खुशबूदार मैसेज सुन के कैसा लगा? मैं वही जिसे तू भेजता है इस फॉरवर्ड मैसेजेस, आप भेजते हो ना? तो फोन रख, फोन फोन अगर तू भेजता है तो रख। डेली हम लोग का खून खौलता है जब आपके ऐसे फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं। फोन रख। रख दिया अभी और बाकी है, आज सब व्हाट्सएप वालों की लगाएंगे। हेलो दीदी, आज रात 12:30 से 3:30 बजे के बीच। कौन बोल रहे है भाई? पृथ्वी के पास से खतरनाक कॉस्मिक किरणें गुजरेगी। अरे आप कहाँ से हो भाई? दीदी कि आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखिएगा, नहीं तो स्विच ऑफ करके नहीं रखेंगे तो मोबाइल फटने का डर रहेगा। दीदी आज करा लो ये संदेश को, अगर ये ऐसा मजाक है, सुनिए आप ये संदेश को रिकॉर्ड करो और 18 लोगों तक पहुँचाओ। क्यों करो भाई, मुझे क्या मिलने वाला है? 18 लोगों को फॉरवर्ड क्यों करूँ मैं? ऑडियो में भेजिएगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट में तो भेजा था ना अभी 4 दिन पहले ये वाला मैसेज, और नीचे ये भी लिखा है कि मार्केट में नया आया है तुरंत फॉरवर्ड करो। है भेजा होगा? भेजा है ना, तो रख फोन, तो रख फोन, नहीं बात करनी तुझसे, रख। ओबीडिएंट
इवन यू गेट दीज मैसेजेस ऑन फॉरवर्ड्स डेली. घर का कोई भी मेंबर ज्वाइन कर लेता फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग भेजेगा, यूनेस्को ने नेशनल एंथम भेजा, कॉस्मिक रेज. वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ सच रूमर्स. प्लीज यूज व्हाट्सएप वाइजली एंड डोंट स्प्रेड रूमर. कुछ बोलना है तुमको? रख 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 अपना ज्ञान अपना. हेलो, मयंक जी बात कर रहे हैं? हाँ जी. चौबे बात कर रहा हूँ यार. तौलिए वाला जो हैंकी होता है वो नहीं पड़ रहा क्या घर में? मतलब कौन बोल रहा? मैं चौबे बोल रहा हूँ मेरे मालिक. अबे किससे बात करने तेरे को चौबे? भाई साहब 20 नंबर वाले मयंक जी बात कर रहे हो? सेकंड फ्लोर पे घर है आपका? हाँ जी हाँ जी बोल रहा हूँ. मेरे आपके वो जो सामने मार्केट है उस पे फ्रिज रिपेयर करने की दुकान है. ठीक है. तो मैं आपके घर आया था, वो तौलिए वाला जो हैंकी होता है मोटा सा वो ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा कहीं पे. मेरे घर किस लिए आये तुम? भाभी जी की तबीयत खराब थी ना, मैंने सोचा ठंडे पानी की पट्टियाँ कर देता हूँ, बेचारी चीन चप रही थी बुखार में. बीवी पूरा ध्यान रखता हूँ मैं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं. सांस क्यों फूल रहा है तुम्हारा? घर आने वाली कोई बात नहीं है, भाभी ठीक है, एकदम सेफ हाथों में. तोड़ दूंगा आगे इतने मारुआ साले, गिनती भी नहीं हो पाएगी तेरे से. ठीक है. फोन मिला रहे होंगे अपनी बीवी को, जल्दी से फोन लगाओ. मारूंगा साले कितना. आपने तो मंगाएगी. हेलो यार कौन बोल रहा है? कौन चौबे बोल रहा हूँ मेरे मालिक. अरे आपको कुछ नहीं कह रहा था मेरे मालिक, ये बेवकूफ आदमी बुखार में केले खाएंगे भाभी बेचारी. मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी है, चिंता करने लिए मैं हूँ, केले खिलाने के लिए मैं हूँ. दो केले हमारे ले लिए तो क्या हो जाएगा भाई, कोई गुनाह हो जाएगा? अरे किस लिए इतने मतलब एंथनी दिखा रहे हो? एंथनी? एंथनी कौन है? एंथनी डिसूजा, पड़ोस में रहते हैं जो. अच्छा, हमें नहीं बता रहा, क्रिसमस पे बुलाया नहीं कभी. ये कौन बोल रहा है पास में? अरे ये केले वाला है बेवकूफ, इसको भी लगा बेचारी भाभी उदास बैठी होंगी, उनको कोई बात नहीं, केले दे देते. मेरी बीवी से बात करवा. भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है भाई. नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तकलीफ मत दो. आप पति हो, दे लो जो भी देना चाहते हो, लेकिन तकलीफ मत दो. मैंने सुनी अफ्रीकी बुखार बताया. अफ्रीकी बुखार किसने बोला? चल रहा है पड़ोस में अफ्रीकी. भाई बोलो तो वेद जी को भी ले आऊंगा साथ में, वो कह रहे हैं कि अफ्रीकी बुखार लग रहा है. अगर हो वहीं पे तो दो मिनट में चले जाओ. ठीक है. अच्छा ठीक है, हम निकल जाते हैं यार, निकल जाओ. अभी का मामला है, बस इतना बता दो चूरन कहाँ है. चुपचाप यहाँ से कट लो. मेरे मालिक सुनो मेरी बात, आखिरी बार बोल रहा हूँ. आपके घर में छोटा सा फ्रिज है, उसके साइड में नैपकिन्स रखे हुए, लेकिन उन नैपकिन्स को मैं ठंडे पानी में डाल के भाभी के सर पे नहीं लगा सकता, इसलिए आप बता दो. दो मिनट में बाहर निकल जा, साले के गोली मार दूंगा भी नहीं आगे. मैं कह रहा हूँ यकीन हो गया? मैं कह रहा हूँ वो सुन, सुना तेरा. हाँ बाहर हो ले. हमारे लिए काम इतना इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सी 3 करोड़ की डील कर रहे हो जो मासूम सी भाभी को बेचारी को अकेले छोड़ के चले गए तन्हाइयों की बाहों में? तू केला खा रोना तो बंद कर दूंगा जरा, एक काम कर चाय बना ले तब तक, भाभी के लिए भी पूछ ले. भाभी चाय पिएगी क्या? इनके फ्रिज में भी कुछ ना रखा, अंडे भी ना खाते है तो. अंडे नहीं खाते तुम लोग? ये अंडे दे दूंगा. भाई 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 कहीं के लिए मत निकलना. अरे हासिस ले रहे हैं क्योंकि सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूं, आपका बैंड बजा रहे थे. अरे और ये बात भाई भाई भाई, और ये बैंड आपका आपकी वाइफ नहीं बजवाया है क्योंकि वो कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आज ये ऑफिस है. ओहो. हेलो. हाँ जी नमस्कार, ये अनिल जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी अनिल जी बात. नमस्कार, मेरे मालिक चौबे बात कर रहा हूँ, केटरिंग का काम है ना आपका? हाँ जी चौबे जी, केटरिंग का काम है हमारा जी. तो हमारे घर में जो है बिटिया की शादी है, गुड़िया की. अच्छा जी. अच्छा हाँ, तो इसके लिए बुकिंग लेनी थी. 23 अक्टूबर की बुकिंग मिल जाएगी? हाँ जी 23 अक्टूबर. हाँ जी. हाँ 23 अक्टूबर खाली है जी, बताइए. अच्छा तो आप मेरे को बता दो मेनू में क्या क्या होगा. मेनू में देखिए 5 तरीके के स्टार्टर डाल देते हैं. अच्छा. और उसके बाद मेन कोर्स में 7-8 तरीके के डाल देते हैं. मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि गुड़िया की शादी है तो हम चाहते नहीं कि किसी भी तरीके की कोई कमी हो. नहीं नहीं जी बिल्कुल, वो आप उसकी आप टेंशन मत लीजिए. ठीक है. और दूसरा मेरे मालिक एक चीज जो है मैं आपसे अलग हटके बनवाने वाला हूँ. दरअसल बात ये है कि एक तो जो होती है ना शाही खिचड़ी. अच्छा. और दलिया हो गया, क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारी ये जो फूफी हैं उनके छोटे भाई की देवरानी के जो बड़े वाले ताऊ जी थे. अच्छा. उनको हमारी उस गुड़िया से बहुत ज्यादा प्यार था. अच्छा. हाँ तो अब ये क्या हुआ कि उनको ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, तो हमने सोचा कि उन्हें ये चीजें जो है वहाँ पे रखी जाए. ठीक है, वो देख लेंगे आप जो बता दोगे. हाँ वेन्यू बता दीजिए. ये कश्मीरी गेट आईएसबीटी. ये कश्मीरी गेट. हाँ हाँ बिल्कुल, कश्मीरी गेट आईएसबीटी कब्रिस्तान. कब्रिस्तान? हाँ जी भाई साहब. मतलब उसके आसपास कहीं है? आसपास नहीं है, कब्रिस्तान में. कब्रिस्तान में मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप कब्रिस्तान में प्रोग्राम आपने सेट किया है? हाँ शादी जो है कब्रिस्तान में हो. कब्रिस्तान में शादी का फंक्शन? आप क्या मतलब, ये तो कुछ बात सूट नहीं होगी. आपका सांस क्यों फूल रहा है मेरे मालिक?
अरे सांस तो फूलना है भाई मेरे को अपने। दरअसल बात ये है कि हमारी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारी फूफी के जो देवरानी के बड़े बड़े साधु और ताऊ जी थे, उनकी ख्वाहिश थी कि गुड्डी की शादी उनके सामने हो। अब हो नहीं भाई, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो सपने में आ रहे गुड्डी के और कह रहे हैं गुड्डी मेरे पास आके शादी कर मेरी बिटिया। गुड्डी की शादी प्रेतों के बीच भूतों के बीच में करवा रहे हो आप भैया? आयो ना, हम तो खुद गिद्ध की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पे। बताओ ये आइए लट्ठे दी चादर इधर कणका उधर कणका चिकन सॉफ्ट और गिद्धा कंपनी। आप कितनी चाहिए, कितनी लड़कियां ले आऊं गिद्धे के लिए? छह ले आओ गिद्धा कंपनी। हेलो बाबू, गिद्धा करेंगे जो सिर्फ गिद्धा करेंगे वो तो छह लेकर आना, ठीक है? उसके बाद तीन और ले, बाकी तो नान बना देंगे, रोटियां आटा बन देंगे, तवा रोटी। अच्छा एक याद आ गया मेरे को, अनिल जी तवा रोटी बन जाएगी क्या? अरे अनिल जी नहीं है, उन्होंने कैटरिंग का काम बंद कर दिया मेरे यार, मेरे मालिक। भाई एक सेकंड एक सेकंड, मैं सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड। मालिक यहाँ तो सब ऊपर नीचे चला गया यार, आप क्या कॉपी करने के लिए सिर्फ टास्क। हेलो या नीरज जी बात करें? मैं श्रीराम बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के बिहाफ पे। वी आर डिसकंटिन्यूइंग योर डेबिट कार्ड, यस, जिसका लास्ट में चार डिजिट्स हैं 4789। ब्लॉक कर दिया मैंने। सर एक्चुअली पता नहीं, कोई अननोन आदमी है जो हेलमेट लगा के आता है एंड वी कांट सी हिज फेस, और वो अब तक 3 ट्रांजेक्शन कर चुका है। एंड सर मैं बताना चाहूंगा, एक सेकंड सर, आप पहले सांस लीजिए। ऐसे केसेस में अक्सर आदमी घबरा जाता है, आपका कोई खराब पैसा नहीं निकला है, हमने राइट टाइम पे ब्लॉक कर दिया। जो भी चोर है जो हेलमेट लगा के आ रहा है, हेलमेट लगा के तो मैंने पैसे निकाले भाई। हाँ जी मैं निकालता हूँ हेलमेट लगा के वैसे। सर लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं। पहले तो जो इसके ओनर थे इस कार्ड के, जिनका अकाउंट था, वो बिना हेलमेट लगाए आते थे, उन्हें पता था कि हेलमेट लगा के नहीं। हेलमेट लगा के जो कैसे भी सर्दियाँ ज्यादा पड़ रही है तो हेलमेट तो आने का टाइम नहीं होता, जल्दबाजी में कर लेते हैं। सर हम बिलीव कैसे करें कि आप हैं वो हेलमेट के अंदर? वी कांट, फुटेज देख रहे हैं बार बार। आवाज सुनिए, आपकी आवाज सुन के लगता है आप 15-20 लाख की गाड़ी चलाते होंगे। कहाँ? नहीं वो सुबह सुबह स्कूटी से जाना पड़ता है यार, वो बच्चे को छोड़ने, तो उस टाइम पे पैसे निकाल लेता हूँ। नहीं सर, We can't believe it, we can't trust it. सर ये कार्ड ब्लॉक रहेगा, इसको खोल नहीं सकते हैं, we are really sorry। या तो आप अपना प्रूफ करिए कि हेलमेट के अंदर। मेरे पास क्या बोलते हैं, यही मेन अकाउंट है जिसको मैं यूज करता हूँ। आप कार्ड ब्लॉक कर दोगे तो मतलब फिर क्या ओपन कैसे होगा? मैम फिर से ओपन कर दूंगा, हमारे ओपन का बटन है, उंगली दबानी है उस पर। आप मुझे प्रूफ तो कर दीजिए हेलमेट में आप हैं। हेलमेट में आप मतलब मैं क्या दोबारा एटीएम जाऊं और एटीएम के सामने हेलमेट उतारूं क्या जाके? उस वक्त जो एक बार आया रिकॉर्डिंग में वो हेलमेट में आप हो, ये प्रूफ कर दो। उसकी कैसे प्रूफ करूंगा मैं सर? आप देखो सर, वरना कार्ड ब्लॉक है फिर, बिकॉज सेफ्टी रीजन है सर। दिस इज नॉट डन है, मतलब कैसे आपको? दिस हैज बीन डन सर। तो आप मेरे को रीओपन कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फुटेज में हम बार बार देख रहे हैं आदमी आगे पीछे जा रहा है, 4 कदम चले हैं अपने एटीएम में। आप थोड़ा बॉडी फिगर बताएंगे आप क्या है नीचे से ऊपर तक अपना, थोड़ा डील डोल क्या? मेरा 78 kg वेट है। अच्छा गौर, कपड़े क्या पहन रखे थे आपने सर? सर पहले इस पे तो खेल लो, 78 kg वेट है। मैं आंखों देख के पता कर लूँ उनकी बॉडी में कितना मास है या कितनी हड्डियों का वजन है। ये वेट कोई बताता है? कोई ये कहता है पेट थोड़ा ज्यादा आ रहा है या कुछ अलग? पेट तो हाँ थोड़ा पेट निकला हुआ है, क्या हो गया? क्या हो गया? डिफेंसिव क्यों हो रहे हो सर? नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं, यार वाली नहीं, पेट निकला। अच्छा निकला हुआ? अच्छा नहीं निकला हुआ, बहुत बढ़िया बात है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हमारे को घर का लेके खड़े हो आप? मेरे क्या बोलते हैं, गाल के ऊपर एक तिल है। अच्छा, और गाल हेलमेट के बाहर लगा हुआ है आपका, है ना? क्या हो गया है सर आपको? यार आप लोगों ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया तो मेरे मुंह से भी निकल के चुप्पी बातें यार, मतलब खुद मान लिया। नीरज जी, नीरज जी सर, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पंकी और आशीष आपका बैंड बजा रहे थे, दिल्ली के 2 कड़क लौंडे हैं। हेलो, अच्छी क्वालिटी रखी भाई साहब। कौन? मैं बबुआ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते। नमस्ते, मैं बबुआ बोल रहा हूँ। अंकित जी क्या हालचाल रख रहे हो आजकल? किसके हालचाल भाई, क्या कह रहा था? एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है, पूछो कैसे? कैसे भाई, किसको क्या अपराध करने से बताया तुमने? वो अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था बैंक लूट कर। अच्छा, मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा? तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा? नीरव मोदी फिर मैंने उसको एक तरीका बताया। अच्छा क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें, क्योंकि जब वो पिटाएगा, अच्छा, तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा। हाँ। मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा। हाँ। वहाँ मुंह छुपाएगा लोगों से। क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको उसको वो आ रही होती है। क्या आ रही होती है?
पोटी आ रही होती है। पोटी पोटी नहीं, सडम सडम आ रही होती है। शरम आ रही होती है, वो नहीं आ रही क्या शरम? सुनो तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको शरम आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा वो शरम उतार के सामने रख देगा बीवी के। क्यों? क्यों? क्योंकि शरम ही औरत का गहना होती है भाई। अच्छा हाँ, ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा तुम। गहना मिल गया हाँ, खुद को सही है, सही है। अब बताओ कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा चुट्टू, ठीक है तो बात है, तो क्या बात है, गलत क्यों बोल रहे हैं आप? आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब? हमें तो क्या जलन मत करी। गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा, फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू। तू सामने मिलेगा तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा फिर तेरे को, सडम आएगी, सडम ही गहने गहने भाई साहब, क्या कहने हैं, सडम ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला बट कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, दैट्स ऑलरेडी। हमें से चीची थोड़ी सुनना, बउआ वालों की नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, कौन? डॉन 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 कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल जी नमस्ते। अब अंकल नजर आ रहा हूँ क्या, आंखें खराब है तेरी? नजर तो वैसे ही नहीं आ रहे हो। हाँ तो सुनाया तो दे रहा होगा भैया, गलती से मुंह से निकल गई, अब तो मैं मरी जाऊँ। किसने फोन किया? ये कह रहा था कि एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, घुंघरू टूट गए। हाँ तो नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ घुंघरू ही नहीं टूटते, घुंघरू तो दूसरी चीज होती है जो सबसे ज्यादा टूटती है। पहली चीज जो टूटती है सबसे ज्यादा, वो भी जी से है, घमंड। अच्छा। जो इंसान के सबसे ज्यादा टूटता है। और एक चीज है जो घुंघरू के अलावा सबसे ज्यादा टूटती है, ग्लास, यानी शीशा हो या दिल हो। अगर तो ये बताने के लिए फोन किया है तो? नहीं, मेरी बात सुनिए। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा टूटती है। तो मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और एक सिर्फ घुंघरू नहीं, विश्वास और भरोसा भी टूटता है भाई साहब। और एक चीज सुनिए, आवाज आ रही है तो अंकिल जी, सपना टूटता है इंसान का। अब तो मेरे को क्यों बता रहा है, तो फोन रखना। ऐसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो रिश्ता भी टूट सकता है भाई साहब। तेरा टूट गया क्या रिश्ता, सारे फोन रख। नहीं, और एक और चीज, भ्रम, जो इंसान पाल के रखता है। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भ्रम मत पालो। भ्रम भी टूटता है भाई साहब, भ्रम भी। सिर्फ घुंघरू नहीं, बताने वाले ने आपको बताया नहीं है, बार बार कह रहे घुंघरू टूट गए, अरे भ्रम का भी बताओ। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? अगर फोन नहीं रखे ना बेटा, एक और चीज टूटेगी अभी। हमारा और एक चीज टूट गया भाई साहब, कनेक्शन। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल, मैं बउआ और मेरे साथ जी जी विशा की जांच हाथ से करने वाले नंद किशोर बैरागी मैडम जुड़ गए हैं आप। बंधु, हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा बोल रहा है, बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं, हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी बोल रहा तू भाई, छोटी सी चर्चा है, आपसे एक मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं, एक मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? NCR बताओ। धुंध छाया हुआ है, सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसे। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। जल्दी, हाँ बैरागी जी, किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। HHH ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भरकर फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है लेकिन भारत में, एक सेकंड, लेकिन भारत में HHH के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है, जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, मारपीट आई, डुग्गे लगे हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना, तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा। क्या खोल दो?
अच्छा ऊपर से जहाज के नीचे लगी होती कटोरी, नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा हो जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं पसंद आ रही, पसंद तो ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था, इंडिया में दिया था, पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत है भाई, भाई गलत मत वाले हो। एक सेकंड, इनका नाम बैठागी जी, सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा है, बहुत ही अच्छे। तेरी सौगी लाकड़ा कौन? गलत मत बोलिए बैठागी को, एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह बैरागी जी, मैं बहुआ और आप फोन रखिए, सौगी लाकड़ा जी इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने, सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी एफ से रॉकिंग नहीं है, सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं गलत बात, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो, हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते, मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? अरे एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो जल्दी बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। जल्दी बोलो, हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ट हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है? जो शर्मनाक का है जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही ये बता, फोन इसीलिए लगाया कि सड़म नाक की जगह आप कह सकते थे सड़म आँख। क्यों? क्योंकि आँखें तो गंदा देखती हैं, क्या आँखों को सड़म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। सड़म बाल, बाल भी खाने में आता है तो उसको सड़म नहीं आ सकती। सड़म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी सड़म आनी चाहिए। सड़म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी सड़म नहीं बोला आपने, नाक को सड़म नाक कह दिया। सड़म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब, जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में ग्लास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो। ठीक है, सड़म उंगली, सड़म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर सड़म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो? भूल गया क्या, बीच में पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ पीठ के बाद, पीठ बैक साइड में, पीठ सडम पीठ को भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीठ में छूरा भोगते भाई। हाँ, और नीचे चल। और नीचे पीठ के नीचे सडम जांग, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी सडम है उसके ऊपर, जंगे के ऊपर, कमर, सडम कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा कमर से नीचे जांग, सडम जांग भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, सडम कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। गलत क्यों बोल रहे आप? हाँ नहीं तो सडम तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या, आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को सडम आनी चाहिए, सिर्फ नाक को सडम नहीं आनी चाहिए भाई साहब। हाँ तो गलत बोल रहे हैं आप, नॉनसेंस, गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ये तो सडम कान, सॉरी सडम नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। हेलो जी, बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, दो मिनट लगेगा, गाने सुन सुबह के टाइम भाई साहब, गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी सॉरी, नहीं सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ तारा, तो काउंट करिए तारा कितनी बार है। सो गाड़ा तारा, वन टू, है ना। अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था, करे शुरू करे, आप जोर से बोलना। हाँ, जैसे वो तारा बोलेगा आप बोलना वन, शुरू करे। ठीक है। सो गाड़ा तारा, तो तीन तारा इसमें। ठीक ठीक है, तो ये लेवल वन आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है?
ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते, जब भी ला बोले आपको एक 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 दो तीन ऐसे बोले, स्टार्ट। तीन चार पाँच, पाँच, गाड़ी छूट गई फिर से, जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो, हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6 सॉरी, अब एक आखिरी भाई सा, एक आखिरी नहीं भाई, मुझे भाई आखिरी एक कुका काउंट कर लो इसमें, कुका कुका क्या होता भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे, जल्दी कर, स्टार्ट करते हैं। हाय नितेरा कुका, चार भाई सब मिस हो गया, चार ही हुआ मुझे नहीं, सुन तो मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं करे भाई, चार ही हुआ, एक सेकेंड जैसे मैं बताता हूँ। हाय नी, हाय नी तेरा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में बीट के साथ, स्टार्ट 3 2 1 स्टार्ट। हाय नी तेरा, 1 2 3 आखिरी एक में तू करके दिखा दे, मैं करूँ, चलो मैं करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है, गिनना होता है, 42 43 42 45 आ गया, गलत बोल रहे हैं आप, गलत 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 43 निमिष का कहना है, रौनक भाई बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो हट के काम करना चाहते हैं, अब इस हट के पर बउआ ने क्या हट के किया सुनते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते अंकल जी, मैं बउआ जी बोल रहा हूँ। अरे ये तो बताओ कौन बउआ बोल रहा है? वो तो है, पर मुझे बचपन से एक ऐसी आदत है। कैसी आदत है? कि मैं हट के काम करता हूँ। अच्छा, क्या हट के काम करते हो? हट काम, आज तक 3 साल से ये आदत मुझे है, मैं नहाया नहीं हूँ। क्यों नहीं नहाया? क्योंकि मैं जब शावर चालू करता हूँ और पानी गिरता है मैं हट जाता हूँ। तो नहीं बउआ हूँ, बहुत सही है, तू मानने जा रही है ना? मुझे मानने की बात क्या अंकल, आप गंदा बोल दे, फोन काट दे, मुझे काटू नहीं रहा, मैं हट के काम करता हूँ। हेलो, हट के काम करता है, शादी हुई तेरी आज तक? मेरी शादी होते होते रह गई, पता है कैसे? कैसे? वो वर्णमाला डालने वाली थी, उससे पहले मैं हट गया। हटो, बहुत बहुत बढ़िया, स्वागत भी नहीं बनेगी तेरी तो। नहीं नहीं, उतना भी हटेला नहीं हूँ मैं, समझे? मैंने 3 पिक्चरों में काम किया, समझे? उसमें से एक पिक्चर थी शोले। अच्छा, शोले, हाँ जी। कौन सा काम किया तूने? गब्बर मेरा ही हाथ काटने वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे तुम हट गए होगे तो उनने ठाकुर के ठाकुर के तुम मिल, तेरे को गोली मारता हूँ, मिल लो, मार नहीं पाओगे, पता है क्यों? पता है, हट जाएगा। अरे भाई, आज सुरेंद्र जी ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ढूंढने लगे हैं, अभी से बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, बउआ? बस है, नहीं बस है। अच्छा अच्छा, बउआ बउआ, वीक डे में बउआ, बाकी सैटरडे संडे को बउआ। तो आपने इंटरनेट पे डाला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं? हाँ झड़ रहे हैं। तो यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। हाँ तो बुरा, तो नमक की छिड़क रहा है तो। नहीं नहीं, मैंने सोचा आपको मैं सोल्यूशन बता दूं, पर आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूँगा। हाँ जी। क्या सड़के ही बाल हैं? तेरी है क्या? तो सड़के ही झड़ रहे हैं, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, हाँ, आपने ना बार्बर की दुकान पे जाना है। अच्छा, मतलब बाल कटवाने वाली दुकान पे जाना है, ठीक है, और उनसे अपना सर मुंडवा लेना है। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? फिर थोड़ी झड़ेंगे, फिर क्यों झड़ेंगे? गंदा, गंदा नहीं बोलना आप, गंदा क्या साले, सर को एक सेकंड, झड़ेंगे, आपके पेट में कीड़े हैं? हाँ पेट में भी है। कैसे आदमी है आप? राक्षस हो, अच्छा गंदा बोलना आप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोग अपने
नहीं भाई, पेट में अगर कीड़े हैं तो आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है, पता है क्यों? क्यों? कीड़े भूखे मर जाएंगे पेट में। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है बताइए? दिन में सोना है फिर आपको। गलत वो। एक आखिरी बड़ा ही पकाऊ, थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें तो फेल हो जाता हूँ। फेल फिर भी, एलोगरिथम पढ़ा है? एलोगरिथम। हाँ। टेढ़ा का क्यूब रूट क्या है? टेढ़ा का क्यूब रूट टेढ़ा ही है और क्या सीधा होगा? नहीं तो वो टेढ़ा नहीं, टेढ़ा 13 1 3। नहीं पता। मैं बताऊँ? पता। सुडूज। क्या? सुडूज। वो कैसे? टेढ़ा 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 सुडूज। गंदा भैया, गंदा इमेज रख दिया क्या? टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय। तू 50 का 35 में, तेरे को उठा के लाऊंगा, बोलूंगा तब तेरे को समझ में आएगा। सर सर, सर बात सुनिए, देखिए ऐसे नहीं होता है। आप देखिए, मैं मतलब अभी मैं क्या बोलूं सर, मैं मतलब मैं एकदम आप कौन सबको बोला ना, सबको बोला तू ऐसा चीटिंग मत कर, समझा? चीटिंग मत कर, तेरे को उठा के लाएगा, अभी गाड़ी जाएगा उठा करके लाएगा। तो सच सच बोल, सच सच बोल, 50 का माल 35 में कैसे दे रहा है तू, कैसे सबको बोलता है? अरे नहीं सर, वो GST वगैरह वो सब टैक्स एक्सपेंस सब लगा के 50 हो ही जाते हैं। इसका मतलब तू लोगों का काट रहा है, तू काट रहा है लोगों का ना बोल के, तू सच बोल, तू काट रहा है कि नहीं काट रहा है लोगों का? अरे नहीं सर, वो बात नहीं है, बट तू GST किधर से आया अभी? आप तेरे को अब उठाना पड़ेगा भाई, तेरे को कोई उपाय नहीं है, उठाना पड़ेगा तेरे को, एकदम बैठ करके बात करना पड़ेगा तेरे साथ में, समझा? ठीक है। आप तू प्रमोद की बीवी को बोला, प्रमोद को बोला 50 का लैपटॉप 35 में, 70 का स्कूटी 55 में। अरे नहीं सर, हम बैठ के बात करते हैं, मत होइए, मतलब बैठ के बात करते हैं भाई, बैठ के बात करने की जरूरत नहीं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे, बंद कीजिए, बंद करो मेरे। हेलो हेलो, चल रही है यार, अमन। अरे हे भगवान, हे ऊपर वाले भाई, आज को भाई क्या करते हो यार, ये गलत काम है यार, सबको बोलते हो इसका इतना में उसका उतना में, यार डोंट डू दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। ऑलराइट गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू टैग ऑल योर फ्रेंड्स, जो हमेशा तू बोल ना, मेरे भाई है तेरा, मैं सब काम करा के देगा तेरे को भैया तेरा। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आई गॉट टू नो, आपने अभी किसी को बोला था हमारे ब्रांच में आके, आप 2,500 रूपए जमा करना चाह रहे हैं आप ओल्ड करेंसी? हाँ जी सर, हाँ जी, मेरे 2,500 रूपए जो है। नहीं सर, नहीं सर, टेल मी वन थिंग, आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद डेट दी गई थी ना कि इस डेट में आपको जमा करनी है? नहीं नहीं, वो मेरे को मालूम है, पर ये पुरानी किसी एक हमने पजामा निकाला उसके उसमें मिला है हमको 2,500 रूपए, तो अब हम कराना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए। बट सर आई एम सो सॉरी सर, रूल इज रूल, आपको पहले ही बता दिया RBI के पूरे इंस्ट्रक्शन है ना कि उसमें आप डेट से पहले जमा कर दो, तो प्लीज देख लो कुछ सर, हो सके तो। 5 नोट है सर, 500 के पुराने सर। एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, हमारी सीनियर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी, अगर वो कर सके। मैं आप लाइन होल्ड करिए, ठीक है? वन सेकेंड। हेलो, मेरे पास पुरानी करेंसी है 2,500 रूपए, तो वो करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? वो हमारे पुराने पजामे से निकले हैं, तो हम आप कराना चाह रहे हैं। इतना टाइम दिया था हमने तो आपको, आपने अपना पजामा नहीं देखा क्या? इट्स नॉट इन माय हैंड्स, मैं अपने सीनियर को आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो सर, मेरी अभी बात हुई है आपके जूनियर से। सर मेरे पास 2,500 रूपए हैं पुराने, तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराए? वो पुराने कपड़ों में वो सर
लेकिन ये हमारे ब्रांच के हाथ में नहीं है, मैं ये तो आरबीआई के हाथ में, मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ, अगर वो देख लेते हैं तो आप उनसे बात करिए। हेलो, मेरी बात हुई है, अभी मेरे 2,500 रूपए पुराने करेंसी के हैं। हाँ। तो वो मुझे जमा कराए थे, नए नोट चाहिए थे, दिला दो। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? मैडम मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे पजामे में से निकले हैं जो गर्मियों के होते हैं। तो नॉट इन माई हैंड्स मिस्टर, आई'ल सेंड योर कॉल ऊपर टू आवर सीनियर, ओके प्लीज। भाई बहनों हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो मेरे पैसे रह रहे हैं। जब मैंने कहा था कि पहले लौटा दीजिए, आपको 50 दिन दे रहा हूँ, तब कहाँ करके चले गए थे तुम? जब मैंने पूरे देश को संबोधित करके कहा था, तब तुम कहाँ थे? मासी जी के घर, गर्मी का सीजन अभी आया, पजामा अभी निकला है, देख लीजिए। इनके कितने नोट हैं? 500 के 5 हैं, 2,500। नहीं हो सकता सर, देख लो सर। मना कर दिया तो कर दिया सर, आप इन्हें शुरू किया था, देख लो। बेटे मेरे साथ में बोलो, अब की बार बोलो, अब की बार क्या सर? पजामा पहली बार। योर कॉल हैज बीन, हेलो। या हाय, इज दैट मिस्टर रेन? या ओके मिस्टर रेन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम टीवी। ओके मिस्टर रेन, मैं हम एक तरह का लोगों से ये पूछ रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा इंडिया में अडल्ट साइट्स बंद करने की बात चल रही है। मैं कई लोगों से पूछूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या मानना है इस बारे में? इट शुड बी यू नो बंद, और यू नो कुछ अडल्ट साइट्स को जो बंद कर दिया है और बंद करने की बात चल रही है, इसमें क्या मानना है आपका? मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम अडल्ट। You are? I'm adult, I'm 18 plus. भी तो एक वो है ना, पर्पस भी तो होता है ना, हमारी कुछ तो चीज हम देख रहे हैं, एंजॉयमेंट। अब क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ, यू लाइक सीरियल्स, एडल्ट अपना डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब मैं अपना लैपटॉप खुद ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मेरा डेटा पैकेज है, मेरा इंटरनेट है, मेरा वाईफाई है, मैंने हिसाब से स्पीड ले रखी है अपने। और फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि तू जो तो डाउनलोड कर रहा है तू वो मत देख, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है ओके। एंड ये पूरा कब, ये दिस इज नॉट को एड, ये सब यहाँ पे सारा बॉय, ऑल बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अब आप हर चीज पे तो मनाइए, मेरा इंटरनेट है, मैं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ मैं। अब आप मेरी हैप्पीनेस पे रोक लगा दोगे आप? सी इट इज हैप्पीनेस व्हेन, मतलब ये यार भाई, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यू आस्क मी मेनी क्वेश्चन, ठीक है। यू मैरिड? सॉरी, शादी है आपकी? नो आई एम नॉट मैरिड सर। भाई यार आप तो समझ जाओ यार, अब समझ जाओ यार, मैं इस तरह से बुलवा रहे हो आप मेरे को? नहीं, मैं आपकी बात को चलिए मान भी लूं, ठीक, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आप इधर सबको बताइए, मतलब कम से कम हमारे बॉस को ही बताइए, ताकि हम फिर मिलके आवाज उठाए ना। अरे वो पब्लिक में तो नहीं बता देता, बॉस बात करा तो आप हम बात, इफ यू कैन डू, मैं तो कह रहा हूँ बॉस से बात कराइए, क्योंकि ये अथॉरिटीज जो बड़े लोग होते हैं अच्छी तरह बात करते हैं। मैं बॉस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सेकंड आइए, आओगे मैं कर लूंगा। हेलो सर, कैन यू टेल मी योर कंसर्न प्लीज? हेलो हेलो, यस सर, हेलो, या सर, कैन यू प्लीज टेल मी योर कंसर्न? यस यस सर, यस सर, प्लीज गो ऑन। मैम, वेयर इज योर एग्जीक्यूटिव? My executive just transferred your call to me. Yes. Yeah. He just transferred your call to me.
तो सर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम इज मैम सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो, फोन काट देना है? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो, फोन काटो। मेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना फोन काट दो। सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा, वही कह रहा हूँ फोन। ये देख के दिल ले। हेलो भाई, जरा फोन काट दियो, ये वाला जो फोन आया फोन काट दे। फोन काट दो? हाँ काट दो इसको, फोन को है? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दो भाई? मत काट, बैठा रहे है? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए। फोन काट दो, फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए, काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब, फोन काट दो ये वाला। मतलब फोन काट दो ये वाला? सर अभी तो बैठे बैठे है, बात लो नहीं, 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 नहीं मिलाया मैंने, बात करने के लिए नहीं, कटवाने के लिए मिलाया। फोन काट दो आप। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ, काट रहा हूँ, चल काट दे। हेलो भाई, ये फोन काट दे जरा। क्या? फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहां से। अबे पागल है क्या भाई, तूने फोन किया तू भाई, तुम पागल हो गए हो तो मैंने किया काटना, आपको चाहिए ना फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा, फिर मत काट भाई, काट बैठे रहे हो, काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के। हेलो, ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो, काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये लाल वाला बटन देख रहे हैं? लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक एक लाल, लाल वाला काट दीजिए। अच्छा काट दीजिए, उसको दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, नहीं वहां से आवाज नहीं आएगी, अब इंतजार कर रहे हैं आप, कोई हेलो बोलेगा। शेयर कर दीजिए भाई, कर दो कर दो। हेलो शुभी, नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, कैसी हैं आप? आपको मेल मिला नावेद, मैं बहुत किसका मुर्गा बनवाना है ये? यार मेरे बॉयफ्रेंड का बना दो। क्या कर रहा होगा इस वक्त आपका बॉयफ्रेंड? वो ना ऑफिस में होगा, बड़ा बिजी रहता है। लेकिन ये बताइए, आपके बॉयफ्रेंड के आपके पापा से बात हुई है कभी? वैसे बात तो नहीं हुई है, बट उसके ना बड़ी पापा से बहुत डरता है वो मेरे पापा। मैं उसको फोन मिला रहा हूँ, जैसे वो हेलो बोलेगा आप सिर्फ इतना बोलेंगे जरा पापा से बात कर लो। हेलो, हेलो दीदी, शुभी बोल रही हूँ, सुन एक बार पापा से बात करो। अरे मीटिंग, अरे हेलो, नमस्ते, कैसे बेटे? बस बस ठीक अंकल, आप बताइए। मतलब मैं एक बात बता रहा था आपको, ये एक तो ये देखिए आप आजकल जो मौसम के बारे में। जी 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या मैंने कहा है अभी? नहीं अब कह रहे हैं ना। तो मैं अभी बैठा हुआ। हाँ जी जी बैठे हैं आप। जी 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 ठीक। ये सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं बताइए बताइए। के मान लो आपको ही लेते हैं। ले लिया आपने मेरे को, ले लिया आपको, ले लिया। अब क्या है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से, समझ रहे हो आप? हाँ हाँ समझ गया अंकल, आपने समझाया। क्या समझे, क्या समझे जो आप समझा रहे हैं जी? ये तो मैंने समझाया ही नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मतलब देखो, आज का इंसान लड़की के लिए क्या नहीं करता? जी कुछ नहीं करता। जी जी नहीं करता है। हाँ करता है, करता है, बोल रहे हैं ना के एक आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको जल्दी भी है, वो मीटिंग छोड़ के बाहर आया है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लड़की की मोहब्बत में उसके बाप ने उसका छीचा लेदर कर रखा है, बात कर करके। लेकिन जी 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 करे जा रहे, क्योंकि लड़की है वही गर्लफ्रेंड है ना। बेटे जा तू मीटिंग कर, ये तेरी गर्लफ्रेंड ये मुर्गा बनवा रही है। मैं नवेद बोल रहा हूँ बेटे। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नवेद बोल रहे हैं। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। थैंक यू। मुर्गा बनाते बनाते कभी कभी थक जाता हूँ मैं। रोज का काम, रोज किसी को फोन करो। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये प्रोड्यूसर है मेरी अंकिता, अंकिता मैं सिर्फ चुप सुनूंगा आज। फोन मिलाओ और हर किसी से एक ही बात कहो, डायल करो। हेलो सुनो, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ।
अच्छा जी, मुबारक हो। चलो अपने घर पे फोन कर लो, गलत नंबर मिला दिया आपने। हेलो, सुनो वो मैं डॉक्टर के पास गई थी कल, रिजल्ट पॉजिटिव आया, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हमें क्या बता रही हो? साड़ी जिंदगी तेरी था, सोची ना तैनू। हेलो, मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? कल डॉक्टर के पास गई थी, मैं माँ बनने वाली हूँ, रिजल्ट पॉजिटिव है। यार बहन, इसकी बहन का मारू यार, कौन से डॉक्टर को दिखाया यार ये? डॉक्टर निधि को। और कौन से डॉक्टर निधि, जल्दी बताओ। सी ब्लॉक वाली, वो सबकी पॉजिटिव बताती है यार, वो सबकी बताती है यार। क्या तुम समझ नहीं पा रही यार, मेरे पापा मेरी गांव डंडा चला देंगे। मैं आपको कोसता हूँ यार, ये ठीक नहीं, अब तो माफ दे मेरी। कितने बार अपने आपको समझाया, ये काम मत किया कर, मरवा ले बोल के। कौन सा है यार ये, जल्दी बताओ। क्या महीना पूछ रहा हूँ, और क्या कलर पूछूंगा? अब तो बहुत लेट हो गए हैं। मैं तो चुप यार, तुम ही रोक लेते मेरे को उस टाइम। सुनो अब मुझसे मिल ही लो एक बार। तुम जान भी लियो यार, मेरे पापा मेरी झंडा चला देंगे। तुम तो क्यों नहीं रही, तो परेशान क्यों नहीं हो? किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। मैंने पहले ही तीन डॉक्टर्स को दिखा दिया है, सबने रिजल्ट पॉजिटिव। सारे डॉक्टर एक जैसे है यार। तुम परेशान मत हो अमित, सब ठीक हो जाएगा। अरे तो अमित क्यों परेशान होगा, परेशान तो मैं हूँ। तुम कौन? विक्की बोल रहा हूँ। सॉरी मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। हेलो, थैंक यू बहन जी, रॉन्ग नंबर मिल गया था। हेलो, हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? सर, इज दिस लिमिटेड? या सर, आई वांट टू अप्लाई सर फॉर अ जॉब। मे आई नो हु इज दिस? सर दिस इज निखिल, दिस इज निखिल। Who gave you my number? Sir, Mr. Anish gave me your number. उन्होंने मेरे को, Mr. Anish ने आपका number दिया था. Okay, sir, okay. I want to apply for a job, sir. So for which position do you want to apply? Sir, I am a programmer. क्या आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर you have to apply there? I'll do that. मैं वेबसाइट पे भी अप्लाई कर दूंगा, बट सर मुझे लग रहा था कि as a, मतलब I am a programmer, अगर इस तरह कुछ हाँ, आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज दीजिएगा। I'll do that. और अभी तक किस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं सर? रात ही एक बनाया प्रोग्राम, मेरे छह लड़के हैं, छह दोस्त हैं, हम बोर हो रहे थे तो रात मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं। इससे पहले सर, इससे पहले मैंने छह महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैकलॉडगंज का, तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे भाई इस छुट्टियों में क्या करें। मैंने कहा मैं प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, मैकलॉडगंज का बनाया मैंने। सर आप कहें तो अभी मैं बना के दिखा दूँ प्रोग्राम। आज शाम को क्या कर रहे हो सर? राजेंद्र चिकन वाला ना, यहाँ पे बीकाजी कॉम्प्लेक्स चले चिकन खा के आओ किस दिन। ओहो कमाल है सर, ये तो नवरात्रि चल रहे हैं, वरना मैं आपको ले चलता। आप वेजिटेरियन हो? मेरे पास वेजिटेरियन के लिए भी प्रोग्राम है एक सर, ये है यहाँ पे ओखला फेज वन में एक ढाबा है सर, क्या वेजिटेरियन देते हैं सर। तो सर मैं आपको ये बता रहा था एज अ प्रोग्राम सर। व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री सर? व्हाई आर यू शाउटिंग? आई मीन चुप सर, आप समझ नहीं रहे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। चुप, भड़क कर रहा है मेरे। हेलो हाँ जी हेलो बंद करो यार। हेलो सर, मैं आपको क्या बताऊँ अपने बारे में। विकी बोल रहे हो आप? हाँ जी विकी, मैंने सुना आपकी डायरी खो गई थी, पर्सनल डायरी। देखिए आपको पर्सनल सिग्नल चले गए, मैंने सुना आपकी पर्सनल डायरी खो गई थी। हेलो जी, डायरी खो गई थी मेरी। मुबारक हो सर, कंग्रेचुलेशंस। अरे आपको मिल गई? हाँ मिल गई। मैंने कहा मैं बात करता हूँ विकी जी से। विकी जी मैं विनोद बोल रहा हूँ, तो आपकी डायरी हमें मिली है ये तीन दिन पहले। अच्छा जी, कहाँ पे मिली है? आप कहाँ मिल सकते हैं? ये हमें मिली है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ड्राइवर गया था किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, तो वापसी में कहने लगा सर ये किसी की पर्सनल डायरी है। आप कहाँ? देखिए आप बताइए, डायरी तो आपको नहीं दे सकते हम, लेकिन आपकी डायरी पढ़ी मैंने ढाई दिन लगा दिया उसमें, इतनी पसंद आई है हमारी कंपनी को, इतनी पसंद आपकी पर्सनल डायरी, तो इसको पब्लिश कर रहे हैं सर। हमारा अपना पब्लिकेशन हाउस है वर्मा पब्लिकेशन, तो इतनी कमाल की चीजें लिखी हुई है उसमें। मैं सोच रहा हूँ पढ़ी नहीं सकते हो पर्सनल डायरी सर? सर मुझसे नहीं रहा गया, शुरू के दो पन्ने के बाद मुझसे नहीं रहा गया। बेसिक है कि किसी का पर्सनल डायरी नहीं पढ़ना, कैसे आप
नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसमें शुरू में उसमें जो बीच में आपने ये लिखा है ना कि आपने ट्विस्ट भी डाल दिया ना। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं उस ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने ये लिखा है कि मेरी जिंदगी में कोई और भी है जिसका मैं खुद किसी को नहीं बता सकता। सर नहीं सर, ऐसे तो भाई आप कहाँ हो, कौन हो, बताओ जल्दी। ऐसे थोड़ी पर्सनल डायरी एक तो पढ़ लिया, दूसरा छापने की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये तो छपेगी और उस दिन आपने लिखा है आज। अरे कहाँ छपेगी, पागल हो गया क्या भाई तू? इसको लगाओ भाई, डाई पे लगाओ। मैं इसको छपा रहा हूँ, आपको आप दुकान से खरीद लेना, आपको तो मिली जाएगी, ठीक है ना। पागल नहीं हो गया भाई तू, वही आगे मार रहा हूँ, कहाँ मैं बताओ मैं भैया। कोई आपकी डायरी नहीं छप रही है। अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, कोई डायरी नहीं छप रही है, पर्सनल होता है, मेरे को मिली भी नहीं। मैं तो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये कौशिक ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि इसका मुर्गा बनाओ, इसकी डायरी खो गई है, पर्सनल डायरी। तो मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी डायरी, मिल जाएगी। डोंट हेलो, कुड स्पीक टू मिस्टर जग्गी? हैं मिस्टर जग्गी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है सर? मिस्टर जग्गी से बात हो जाएगी? अब बोल कौन रहा है सर? मैं से विनोद बोल रहा हूँ, आपकी कंप्लेंट मिली। एक घंटा पहले मैं कॉल की था, तू फोन कॉल कर रहे मैंने माँ ही तेरे छिद के लाल कर देनी है। मैं सर मेरी बात सुनेंगे आप? आप आप ये तो यार तू मेरी गाल सुन, पैकेज लेके मैं कहते अपने सिर मार रहे रिमोट ले यार, की पंगा किया तेरा नाल तू, मैंने गलत है। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप खामा खा नाराज हो रहे हैं, हमारे एंड से कोई गलती है तो इतने तेरी टांगा रहे बात छट नहीं। मैंने मिस्टर जग्गी आप मेरे को अगर आराम से बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको चैनल्स नहीं दिखाए? यार जब मैं पैकेज लेता थी मैं ओदे च सिलेक्ट योर लैंग्वेज से पंजाबी सिलेक्ट की, ठीक है? हां जी। ते फिर हुन HBO स्टार मूवीज BBC है पंजाबी दा आंदे नहीं पे इथे। HBO स्टार मूवीज ते BBC पंजाबी च? ओ एक भी नहीं आंदा पंजाबी च यार, मैं एक घंटा हो गया रिमोट नाल सिर मार दे मैनू। सर आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम है? हमारे हैंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हैंड कितों आ गया विच, कितने प्रॉब्लम है सर? मैं एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं चेक करता हूँ सर। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ कर कर चेक, वो पंजाबी वाला लगाना। मैं देखो सर। So what's this all about, Dom? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Cause we got a job. They already have this bustle about. Lay as many as a dozen eggs. स्टार मूवीज का सामने वाली बिल्डिंग से छोटा सा बच्चा लटक रहे, मेनू पूरा यकीन है स्पाइडर मैन इनू बचान जरूर आएगा। स्पाइडर मैन तुसी किथे हो? मेरी बहनी मैं इत्थे हां। स्पाइडर मैन धरती ते गुनाह इन्ना वधिया जा रहा है, वधे जा रहे। देखो छोटा जिहा बच्चा दीवार तो लटक रहा है, स्पाइडर मैन जाल बिछाओ, इनू बचा लो, स्पाइडर मैन इनू बचा लो। HBO हीरा रोज मैं तेरी पेंटिंग बनाना चाहता यार। पेंटिंग ते तू बहुत सोनी बनाई लेगा, पर मैं चाहती हूँ टाइटैनिक तो उतर के भी ऐसी जिंदगी पर साथ रहिए। जैक चल देखते चलिए ते BBC BBC न्यूज ते हो तुसी, मैं हाँ तुहाडे नाल जेनिफर ते हुन आपां बात करांगे ग्लोबल वार्मिंग नू मद्देनजर रखते हुए साडा अज दा पैनल बैठा होया, हुन असीं तुहानू लेके चलांगे अर्जेंटीना दे साडे स्टूडियो दे विच जिथे बैठे ने डॉक्टर वॉस्लो। हां जी थैंक यू जी, सब तो पहला मैं धन्यवाद करदा सब दा, और जिधर तक साडी ग्लोबल वार्मिंग दी गल हैगी आ सर, देखिए तीनों पंजाबी में, सारे पंजाबी में आ रहे हैं, हमने तो यहां से रिले कर रखा है ये। आप देखिए किस, आप खाना खा चिल्ला रहे थे। अब टीवी दी प्रॉब्लम है, ओए गुरिंदर इतला मार फोड़े तो टीवी नु की लागे दिसता है। हेलो अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी नवीद जी बोल रहे हैं। हाँ अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ सर आपसे बात हो गई, मतलब सॉरी मैं आपके मेल, नहीं आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसने आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी, नहीं मेल तो मैंने पढ़ लिया था लेकिन मुझे सही से समझाइए क्या, मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मैं समझ नहीं आ रहा, मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर, और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में
देखिए हाँ, मैंने देखा, देखा उनका, तो उनका नंबर भी है, उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए, एक मुर्गा जो आप तो ये अभी अभी कहाँ है, ये आपकी आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, उनको फोन कर। अदा डरा मत देना सर, नहीं नहीं आपको कैसे बताए, जान है सर बस। नहीं नहीं नहीं, डराऊंगा नहीं, बस पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। नहीं नहीं, मेरे पड़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। हाँ ठीक ठीक। हेलो, एक मिनट। मैडम, मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, आप बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ मैडम, डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, नताशा जी से सर पर बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी। अरे एक मिनट यार, थोड़ा धीरे डालो प्लीज, फोन पे हूँ मैं यार। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए। जी जी, नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है। वो अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ मेहंदी, अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे गालो यार, यार उसे बोलो दो मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछ रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इन्विटेशन मेरा भूल गया, हम कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म, आप आइएगा, जरूर आइएगा। परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग दो दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, ठीक रहेगा शायद, है ना? अभी सर, हेलो। हाँ अभी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत सर, नहीं सर, हम यहाँ घर पर आने आए सर। देखिए ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है, जिंदगी वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर, कोई बात नहीं है, बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर, हम तो इधर आया दुबई में घर आने आया सर, जिंदगी कोई परेशानी नहीं। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानूंगा? नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए बताइए। सर मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर उसका नाम है, उसका बना सकते हैं सर आप मुर्गा? बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से? ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ सर। इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल, आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बार पूरा एक साथ ही सुनूंगा, मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सर ने, सुन लिया। सुकृति यार, वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? ना। ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ। इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो हाँ। मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है, मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो तुम्हें सच बताऊँ, मैं तो एक दफे भी मिलनी नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं? तो मैं तो यूँ दब गई बस, मैंने यूँ सोचा कि मैं क्या, कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बतेरी परेशानियां लग जाए, थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबा ली, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया दिया, जब कितना बर्दाश्त करती है मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ? अरे देखो, शरीफों का तो यही जमाना रह गया, वो मुझ पे चिल्लाती रही सारी उम्र, अब जब तक कुछ दबाए वही है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी है उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ? अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं ये अरे बाहर को जाके बेच दे यार, प्याज 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो, प्याज ही बेच रहा। मैं तो मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो जाए यहाँ से, ये प्याज 12 रुपए किलो।
क्या अरे नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जा यहाँ से, जूता मारने का बात कर रहा है। किलो हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसी हैं? प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया अरे भैया बात हो रही है हमारी, निकल जा। मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो, ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है, सुनते ही ना तू। हाँ क्या कहो, ये सर रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया, प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो, दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की, ये सर रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक। दीदी अरे इसे तो रोक ले। दीदी रोक तो लूंगा, क्या क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा, मैंने खून चूस लिया वाली। हेलो गौतम, विक्रांत पहचान नहीं आपको, मिल नहीं आया कॉर्पोरेट ऑफिस से? आई एम जॉइनिंग, आई एम योर न्यू बॉस। हां सर 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 विक्रांत, या हाय हाउ आर यू? I'm very good sir. How are you sir? I am absolutely fine. You know what? मैं अभी कॉर्पोरेट ने आपको मेल तो भेज ही दिया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। या मैं विदिन अ वीक ज्वाइन कर लूंगा, बट गौतम मैं सभी को फोन करके, क्योंकि आप मेरे अंडर में हैं, पूरी टीम मेरे अंडर में है, सो यू नो ये मेरा ये मेरी आदत है कि मैं जिस कंपनी में भी नया ज्वाइन करता हूँ मैं लोगों से बात करता हूँ पहले। एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में जितने मेंबर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होता है मैं उसको इंक्रीमेंट भी दिलवाता हूँ हर महीने, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। एक तो मेरे काम करने का तरीका अलग है बिल्कुल गौतम। यस सर, यस सर, यस सर। गौतम मैं सबसे पहले बताऊँ, वो लोग मुझे